आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी कर 400 लीटर स्पिरिट सहित 60 लीटर अवैध नकली अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अवर निरीक्षक के दिशा निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र के कुंवर बस्ती में छापामारी की, जहां एक मकान में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि छापामारी स्थल से टीम ने 400 लीटर स्प्रिट, खाली बोतल और काफी संख्या में विभिन्न कंपनियों के स्टीकर और ढक्कन सहित 60 लीटर बना हुआ नकली शराब को जब्त किया है। उत्पाद अवर निरीक्षक संदीप कुमार महतो ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही गिरफ्तार लोगों द्वारा अवैध रूप से नकली शराब बनाने का कारोबार कर रहे थे। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आकी जा रही है। जी बताइए, कहाँ छापामारी हुई और कितना शराब जब्त हुआ है? होली त्योहार के मद्देनजर रखते हुए सहायक आयुक्त पर पुलिस विभाग के आदेश अनुसार हम लोग आजाद नगर थाना अंतर्गत कुंवर बस्ती में आज दोपहर में छापामारी किए हैं। छापामारी में 400 लीटर स्प्रिट, 60 लीटर बना हुआ शराब और विभिन्न ब्रांड के स्टिकर और ढक्कन और तकरीबन 10 से 20 पेटी खाली बोतल बरामद हुआ है वहाँ घटनास्थल से, और घटनास्थल से दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। कितने दिनों से ये लोग कारोबार कर रहे थे लोग? ये तकरीबन लॉकडाउन के बाद से लोग अपना कारोबार स्टार्ट किए थे। इसकी सूचना हमें 2-4 दिन पहले मिली, तो फिर हमने अपने स्तर पर सत्यापित करते हुए अच्छा कमा लिया। कितने की शराब हुई है जो ये टोटल? हम लोग तकरीबन 5 लाख का सामान जब्त किया। ये सभी विदेशी शराब है? हाँ, सभी विदेशी नकली शराब। संदीप कुमार नाग, सब इंस्पेक्टर। गिरफ्तारी कितने दिन की हुई है? 2 दिन गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।